हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इनामुद्दीन खान, यूट्यूब चैनल हम साथे के साथ। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक टॉपिक पे है जो लोग इंडिया से सऊदी आना चाहते हैं उनके लिए, और जो लोग जिसका छुट्टी ख़त्म हो चुका है या फिर जिसका अकामा ख़त्म हो चुका है। ये यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट का ये ऐलान है कि जो यहाँ पे आना चाहते हैं वो अपनी कपिल से कहकर या फिर अपने मुदीर से कहकर या अपने कंपनी वाले से कहकर अपनी छुट्टी को बढ़वाएं और अपने अकामा को बढ़वाएं, तो फिर वो यहाँ पे आ सकते हैं। अभी तो फ्लाइट चालू नहीं हुई है, लेकिन कुछ दिनों में फ्लाइट चालू हो जाएगी जिसके वजह से वो आ सकते हैं। और जो लोग ये काम नहीं करेंगे, जैसे कि छुट्टी नहीं बढ़वाए या फिर अकामा नहीं बढ़वाए, उनके ऊपर 3 साल का बैंड हो जाएगा। तो अगर जो लोग यहाँ पे सऊदी में आना चाहते हैं, सऊदी अरब में आना चाहते हैं, तो वो इस वीजा पे आइए, और आने के बाद 1 महीना या 2 महीना रहें, पुराने वीजे पे रहे 2 महीना, फिर उसके बाद एग्जिट लगवा लें, उसके बाद आप घर चले जाएं, फिर दूसरे वीजा पे आप आ सकते हैं। लेकिन अभी ये जो कोरोना की वजह से अगर गए छुट्टी या जनवरी या फरवरी महीने में आप गए हैं और अभी तक नहीं आ पाए हैं, तो अपने कंपनी से या कफिल से या मुदीर से कहकर आप अपना वीजा का डेट बढ़वाएं, छुट्टी का डेट बढ़वाएं। जो खुरूच आपका लगा होगा 3 महीने का लगा होगा, तो आप बढ़वाएं उस पे कपिल से कहकर, या फिर अकामा में डेट एक्सपायर हो गया तो वो बनवा ले। नहीं अगर बनवाएंगे या इस वीजा पे नहीं आ पाए आए हैं आप, या फिर नहीं आ रहे हैं, तो आपके ऊपर 3 साल का बैंड लग जाएगा। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज था, तो मैंने आपको बता दिया। और एक लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो 14 मार्च से यहाँ सऊदी अरब में एक नया नियम आने वाला है, 14 मार्च 2021 से। वो नियम ये है, नया कानून ये है कि जो लोग जैसे पहले आते थे 2 साल के लिए या 1 साल का कंपनी एग्रीमेंट कराती थी, या फिर किसी या कपिल के पास आते थे 2 साल का एग्रीमेंट होता था कि 2 साल आप मेरे यहाँ काम करेंगे, उसके बाद आप कहीं आप एग्जिट जा सकते हैं या फिर छुट्टी जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट का ये नया नियम लगा है, नया कानून ये है कि आप 2 साल एग्रीमेंट को पूरा करने के बाद आप किसी भी कंपनी या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में आप ट्रांसफर करा सकते हैं, और बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा, और आपके यहाँ पे गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। तो ये नया न्यूज था, तो मैंने आपको ये बता दिया। 2021 में 14 मार्च से ये नया नियम आने वाला है, तो जो भाई यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये स्कीम है, और जो लोग यहाँ पे काम करना चाहते हैं सऊदी अरब में आके कंपनी में प्राइवेट में, पहले रहता था कि आप 2 साल किए 3 साल गए, उसके बाद जो है आप एग्जिट जाएंगे घर, तो फिर दूसरी कंपनी में आते थे, फिर होता था दूसरी कंपनी के लिए। अभी क्या है कि आप यहीं पे 2 साल करें, अगर कंपनी अच्छी चलती है, आपको सिस्टम सही, सैलरी सही टाइम पे मिलता है, सारा सिस्टम सही होता है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है दूसरी कंपनी में यहाँ पे ट्रांसफर आप करा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से करा सकते हैं। तो ये नया नियम यहाँ पे लगा है, और इंडिया की फ्लाइट तो अभी चालू हुई नहीं है इंडिया से यहाँ सऊदी अरब के लिए, इंशाल्लाह ताला जल्दी चालू हो जाएगी, और उम्मीद है कि जनवरी से लेकर फरवरी तक चालू होने की उम्मीद है। देखते हैं आगे क्या होता है, आप लोग तैयारी बना लें अपनी यहाँ पे जो लोग आना चाहते हैं, और वीजा आसानी से देखिए मिल जाएगा, तो आप आ जाएं, आने की तैयारी कर लें अपना। ये नया नियम जो यहाँ पे सऊदी में लगा है, तो मैंने आपको शेयर कर दिया आपके साथ। मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए बाय बाय।